पर हम इस देश के गरीबों को गुमराह और परेशान कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, लुटाई कर रहे हैं, हर तरह से परेशान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ताकत उनके पास है, और जब तक राजनीतिक ताकत उनके पास रहेगी हम लोग कुछ भी उनका बिगाड़ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ताकत आए तो एक ही रास्ता है, और वो इस देश के अंदर है, अकेली बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी को इस समय पूरी ताकत के साथ लेकर के चल रही है। आप सब लोगों को एकजुट होकर के बहन कुमारी मायावती जी का साथ देना पड़ेगा। वैसे पूरे देश में मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, आज हलचल है। आज हमारा नौजवान तबका पूरा बहन जी के साथ दे रहा है, क्योंकि मैंने देखा है 80% राजस्थान में नौजवानों ने प्रतिज्ञा कर ली है, और उसी से मुझे अंदाजा लग रहा है कि आने वाले 4 दिसंबर को जब बहन जी दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में आएंगी तो वहां पर भी हमें नौजवान साथी देखने को मिलेंगे, और वो ये निर्णय लेंगे कि आने वाले 2019 के चुनाव में हम बहन कुमारी मायावती जी को हम भारी मतों से जिता करके उनको इस देश का मुखिया बनाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज इस अवसर पर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पर निर्माण दिवस है, तो अगर संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हो, अगर संविधान को इस देश में लागू करना चाहते हो, अगर संविधान को जानना चाहते हो, तो आप लोगों को पहले राजनीतिक ताकत को जानना पड़ेगा, इस पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी आप लोगों का भला होगा। वरना तो ये अंधविश्वास में आप लोगों को जकड़े रहेंगे। और इधर हमारी बहन बेटियां बैठी हुई हैं, इनके लिए मैं अक्सर एक कहानी सुनाया करता हूँ, आज यहाँ पर भी मैं उस कहानी को सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने यूट्यूब पर उस कहानी को करोड़ों लोगों ने सुना है, फिर भी मैं दोबारा से उसे दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि जरूरत है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं हमको दी थी 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में, जब उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था उस दिन ये 22 प्रतिज्ञाएं दी थी। लेकिन क्या वास्तव में अंबेडकरवादी उन 22 प्रतिज्ञाओं पर अमल करते हैं? जब तक उनके घर में 12 हाथ वाली या खड़ाऊ वाली या तलवार वाली या उनके तस्वीरें दिखाई देती रहेंगी, समझो वो अंबेडकरवादी नहीं है, वे लोग मनुवाद के पोषक हैं। इसलिए आज मैं इस कहानी के माध्यम से फिर आपको सचेत करना चाहता हूँ। एक गांव में शादी होकर आई थी, बहू की सास बोली के चल बेटा तुझे देवी के दर्शन करा लो, मंदिर में चलते हैं। बहू ने कहा चलो माँ जी, पूजा पाठ का सामान हाथ में लिया, आगे आगे सास और पीछे पीछे बहू चल दी। जब मंदिर के हाथे में पहुंची तो सामने 2 शेर खड़े थे, शेरों को देखकर डर गई बहू, डर गई। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो सामने शेर खड़े हैं, हमें खा जाएंगे, घर वापिस चलते हैं। सास बोली बहू तो सीधी आ गई, मेरे तो घर का नाश हो गया। उसने कहा बेटा ये तो पत्थर के शेर है, ये खा नहीं सकते। बहू ने कहा माँ जी नहीं खा सकते तो चलो। जब मंदिर के द्वार पर पहुंची तो वहां पर एक गाय के दूध को उसका बछड़ा पी रहा था। बहू ने कहा माँ जी ठहरो, देखो यहाँ पर कोई आदमी नहीं है और इस गाय के दूध को इसका बछड़ा पिया जाता है, मैं घर से बाल्टी लेकर आती हूँ और इसका दूध निकाल के घर ले चलेंगे। सास ने मारा सिर में हाथ, बोली बहू तो पागल आ गई, मेरे तो घर का सत्यानाश हो गया। अरे तू अंधी है, दिखाई नहीं दे रहा, ये पत्थर की गाय है, पत्थर का बछड़ा है, न ये दूध दे सकते न दूध पी सकता है। बहू ने कहा माँ जी नहीं पी सकता चलो। जब मंदिर के अंदर पहुंची तो सास बोली बेटा मांगला देवी जी बैठी है। बहू ने चारों तरफ घूम फिर के देखा, माँ जी कहाँ पे? अरे ये ना बैठी, माँ जी मुझे तो ऐसा लगता है जैसे ये पत्थर की हो। हाँ पूरी महिलाएं इसी से मांगती हैं, तू भी मांग ले। बहू ने कहा माँ जी मांगने से पहले मेरी बात सुनो, जब पत्थर के सिर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध दे नहीं सकती, पत्थर का बछड़ा दूध पी नहीं सकता, तो पत्थर की देवी भी मुझे कुछ देने वाली नहीं है, मेरी देवी तो तुम हो, साक्षात जिंदा देवी हो, मैं तुम्हारी सेवा
करूंगी तो बदले मुझे प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जो घर में असली देवी बेटी है, माँ बहन बहू बेटी के रूप में, उस पे तो हमारा डंडा चलता है, गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, अत्याचार करते हैं और शादी में दहेज की डिमांड करते हैं, और अगर ना मिले तो बहू को आग में जला करके मार देते हैं। असली जिंदा देवी पे अत्याचार और पतली पत्थर की नकली देवी बारे हाथ वाली पर लड्डू, तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। और एक देवी और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इस देश के अंदर शक्तिशाली कोई देवी है तो बहन कुमारी मायावती जी है। किसके मारे आज मोदी को डर राहुल से नहीं है, राहुल को डर मोदी से नहीं है, सोनिया को डर मोदी से नहीं है, मोदी को डर सोनिया से नहीं है। अगर मोदी और राहुल को डर है तो बहन कुमारी मायावती से डर है। इसलिए आज आप सब लोग यहाँ से एक प्रतिज्ञा करके उठेंगे, नौजवान हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, चाहे हमारे कोई भी हो, चाहे धार्मिक है, चाहे जाति के नाम पर संगठन है, चाहे धर्म के नाम पर संगठन है, चाहे महापुरुषों के नाम पर संगठन है, अगर वे वास्तव में बाबा साहब के सच्चे पुजारी हैं तो जहाँ जो कर रहे करें। लेकिन अपने संबोधन में एक बात जरूर कहें कि भाई हमारी जो लड़ाई है वो मोदी से लड़ाई है, और इस लड़ाई को अगर जीत सकते हैं तो बहन कुमारी मायावती जी जीत सकती है। तो हमें हाथी का बटन दबाना है और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है। तो आप वास्तव में समाज के सच्चे सिपाही हैं, वरना तो धोखा ही धोखा है। जाति और धर्म के नाम पर कहीं चाटम महासभा, कहीं पर जो वेरवा महासभा, कहीं पे रैगर महासभा, कहीं पे मेघवाल महासभा, कहीं पे वाल्मीकि समाज महासभा, कहीं सैनी महासभा, कहीं राजपूत महासभा, ये सभा जितनी बन रही है, अगर ये राजनीति में इस्तेमाल होती है दूसरों के हाथों तो फिर इस समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोग जो सुन रहे हैं, कह दो हमें कोई ऐतराज नहीं है, बनाना चाहो बनाओ, लेकिन एक सेंटेंस जरूर बोलिए क्या कि बहुजन समाज पार्टी के साथ है और हाथी का बटन दबाएंगे और देश पर अपना राज कायम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।